सिलवासना श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय में उत्तम क्षमा महापर्व मनावामां आव्यो हतो। आ पर्व निमित्ते दिगंबर जैन समाजना लोकोए जिनालय में उपस्थित रही भगवानी पूजा आरती करी क्षमा मांगी हती। दिगंबर जैन समाजना डॉक्टर मीणा जैनना जणाव्या प्रमाणे उत्तम क्षमानो अर्थ एटले के दरेकने क्षमा अने उत्तम क्षमाथी धर्म अने आत्मानो खरो रस्तो शोधवामां मददरूप थाय छे। आज का दिन हमारे यहाँ दशलक्षण पर्व की समाप्ति का अवसर है। हमारा ये पर्व उत्तम क्षमा से शुरू होता है और क्षमा पर ही समाप्त होता है। अर्थात मैं कह सकती हूँ कि क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और ये विश्व का एक ऐसा धर्म है कि वो क्षमा याचना करना सिखाता है कि हमारा किसी भी जीव किसी के प्रति अगर हमने कोई भी हिंसा की है या कटु वचन बोले हैं उसके प्रति तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। और ये अद्भुत पर्व है, अद्भुत त्यौहार है। विश्व में कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जहाँ पर हम लोग जीवों से क्षमा मांगें। ये हम लोग आपस में ही क्षमा नहीं मांगते हैं। हम लोग ये हमारे यहाँ पाँच इंद्रियाँ होती हैं, वो जीव भी पाँच इंद्रियों के होते हैं, वनस्पति का है, जल का है, अग्नि का है और फिर इंद्रियां और आती हैं, तो उन सभी जीवों से भी क्षमा मांगी जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी क्षमा का इफेक्ट होता है जो वो होता है साइकोलॉजिकल भी, ये अध्यात्म से भी जुड़ा है और मनोविज्ञान से भी कि मनुष्य को अपना जीवन अगर शांतिपूर्वक व्यतीत करना है तो सबसे क्षमा मांगना और सबको क्षमा करना सीखना चाहिए। अगर हम सबसे क्षमा मांगना सीखते हैं और क्षमा देना सीखते हैं तो हमारा आपस में वैमनस्य नहीं रहेगा, शत्रुता नहीं रहेगी और सबसे बड़ी बात हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जब हम किसी के प्रति कोई कटु भावना नहीं रखेंगे, राग द्वेष नहीं रखेंगे तो हमारा बीपी भी हाई नहीं होगा और ना हमको और कोई टेंशन होगी आपका टेंशन और ना हमारी कभी ब्रेकडाउन होगा, हमारा नर्वस सिस्टम होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे अध्यात्म में सुनी हैं। जैन धर्म सिखाता है कि धर्म के साथ हम स्वास्थ्य लाभ भी कैसे ले सकते हैं, मनोचिकित्सा भी कैसे हो सकती है और सबसे बड़ी बात आज का हमारा उत्तम क्षमा का है। हम सब लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और हमारे यहाँ विश्व शांति के लिए रोज शांति मांगी जाती है भगवान शांतिनाथ भगवान से, जो कि शांति दाता है, शांति प्रदान करने वाले, और उसका मंत्र है ओम ह्रीम अरहन जग शांति कराए श्री शांतिनाथाय नमः सर्व उपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ये एक मंत्र है जो हम लोग रोज बोलते हैं कि भगवान सारे विश्व में शांति हो और सारे उपद्रव युद्ध या जो भी उत्पाद है वो समाप्त हो। तो ऐसा हमारा जैन धर्म है। जैन धर्म विश्व में सबको शांति और सहयोग से रहना सिखलाता है। तो बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। क्षमा अपना सभी को, जो आप लोग देख रहे हैं अगर किसी के प्रति मेरी कोई कटु भाषा निकली हो, किसी से कुछ कहा हो तो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, सभी से क्षमा, सभी को क्षमा।